पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी, आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नॉन एज द SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम SCO के नाम से भी जान सकते हैं, मतलब कि इसको SCO के नाम से भी जाना जाता है। वॉज क्रिएटेड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई चाइना। तो ये जो है 15 जून को 2001 में जो है बनी थी शंघाई में, जो कि कहाँ पर है, चाइना में। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कजाकिस्तान, चाइना, खारिज, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द शंघाई फाइव मैकेनिज्म। और इनके जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो है कजाकिस्तान, चाइना, खाराइज, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके शंघाई के फाइव मैकेनिज्म्स हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप। इंडिया और पाकिस्तान भी जो है इनके पार्ट हैं। फुल मेंबर स्टेटस वॉज ग्रांटेड टू दीज टू कंट्रीज इन 2017 आफ्टर द मीटिंग इन अस्ताना में। मीटिंग के बाद जो है इन दोनों कंट्री को, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान को, जो है फुल मेंबर स्टेटस जो है मिला था SCO में। SCO क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO चार्टर। द SCO हैज़ इट्स ओन चार्टर कॉल्ड द SCO ऑर्गेनाइजेशन चार्टर, which came into force on 19 September 2003. SCO जो है उनका एक अपना चार्टर है, जिसे कि SCO ऑर्गेनाइजेशन चार्टर के नाम से जाना जाता है। और ये कब बना था? 19 September 2003। इट इज़ अ फंडामेंटल स्टैचुअरी डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक स्टैचुअरी डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। और SCO के जो एम्स हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि उनके क्या गोल्स हैं। स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द मेंबर स्टेट्स, कि सभी में जो है वो ट्रस्ट बना रहे। प्रमोट कोऑपरेशन अमंग मेंबर मेट्स इन एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर और एजुकेशन। तो कॉरपोरेशन भी बनी रहे मेंबर्स में, चाहे वो पॉलिटिकली कॉरपोरेट हो, इकोनॉमिकली, ट्रेड, कल्चरल या एजुकेशनली हो, किसी भी तरीके की जो अगर कॉरपोरेशन है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और शांति बनी रहे, प्रोटेक्शन होती रहे और हर एक रीजन में जो है वो स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे। द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जिन्हें कि HSC भी कहा जाता है। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द SCO, तो इनका एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। मीट्स वंस अ ईयर, जो कि साल में एक बार मिलती है। टेक्स डिसीजंस रिलेटिंग टू ऑल द मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, ज़रूरत के जितने भी मैटर्स होते हैं उनके डिसीजंस जो हैं वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़, इनकी दो लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑफिशियल हैं, वो कौन कौन सी हैं? रशियन और चाइनीज़। द SCO सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन बीजिंग, तो ये कहाँ पर है? बीजिंग पर बेस्ड है। इट इज़
इट्स अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द SCO, और जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है SCO का, जो सेक्रेटेरिएट होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, हेडेड बाय द सिक्योरिटी जनरल, जिसको जो है सिक्योरिटी जनरल हेड करता है। मुखिया इसका कौन होता है? सिक्योरिटी जनरल। द सिक्योरिटी जनरल, सॉरी सेक्रेटरी, सिक्योरिटी नहीं सेक्रेटरी बोलना था, सॉरी सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बाय द HSC। तो सेक्रेटरी जनरल जो है 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे कि RATS भी कहा जाता है, और ये जो है तशकंत पर बेस्ड है। डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रैट्स इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय HSC, और इनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के डायरेक्टर हैं वो भी HSC द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और अपॉइंटमेंट कितने देर के लिए होती है? सिर्फ 3 साल के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक था SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एशियन। एशियन एक बहुत पॉपुलर है, ऑल्सो कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, और इसे और क्या नाम से जाना जाता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड, और ये जो है 8 अगस्त को 1967 में ये जो है बनी थी, कहाँ पर बनी थी? बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड में है। द एशियन डिक्लेरेशन, जिन्हें कि बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, वो साइंड ऑन दिस डेट टू एस्टैब्लिश एशियन। तो 8 अगस्त को जो है वो साइन की गई थी ताकि जो है इस्टैब्लिश हो सके एशियन। द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन आर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और थाईलैंड। और जो एशियन की मेन कंट्रीज़ हैं, फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और थाईलैंड। इट करंटली हैज़ 10 member states, और इसके जो हैं 10 member states हैं, ब्रिनी दरसुलम 1984, वियतनाम 1995, लाओ PDR एंड म्यांमार 1997 एंड कम्बोडिया 1999। तो ये स्टेट्स कब कब जुड़ी थी उनके बारे में दिया गया है। कम्बोडिया जो है 1999 में एंटर हुई थी, म्यांमार और लाओ PDR 1997 में, ब्रुनाई दुसालम जो है वो 1984 में, और वियतनाम जो है वो 1995 में। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसका कोई ना कोई एम होता ही है। सो एशियन का भी जो एम्स है वो हम अब पढ़ेंगे। एम्स, द एम्स ऑफ एशियन आर सेट आउट इन द एशियन डिक्लारेशन। जो उनकी डिक्लारेशन है एशियन की, उसमें जो है उनके एम्स जो हैं वो बताए गए हैं। नंबर वन इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल डिवेलपमेंट इन द रीजन। और पहला उनका मेन जो है कि इकोनॉमिकली भी ग्रोथ हो और कल्चरली भी जो है उनका रीजन डिवेल्प करे। सेकंड इज प्रमोट रीजनल पीस एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ UN चार्टर। UN चार्टर के अकॉर्डिंग जो है रीजनल भी जो शांति है वो बनी रहनी चाहिए। नंबर थर्ड इज प्रमोट कोलैबोरेशन इन मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक फील्ड्स। कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए कि कोई भी म्यूचुअल इंटरेस्ट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकली, इकोनॉमिकली या फिर साइंटिफिकली जो है एक स्टेट को दूसरे स्टेट को जो है कॉपरेट करना चाहिए। असिस्ट ईच अदर इन रिसर्च, और दूसरे स्टेट को जो है असिस्ट करना चाहिए रिसर्च में भी। एंड प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। एशियन जो है उनके प्रिंसिपल्स भी हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन मेंबर स्टेट्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया।
जो इनकी एक ट्रीटी है, इनके जो सिद्धांत हैं वो किस में दिए गए हैं? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसे कि हम TAO के नाम से भी जान सकते हैं। 1976 में जो है ये बना था। इनके मेन सिद्धांत हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस। हर एक जो एक नेशन है उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी और सॉवरेनिटी को भी जो है हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एवरी स्टेट राइट टू लीड एज एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और हर एक जो एक स्टेट है उसे फ्री होना चाहिए, उसे किसी भी तरीके का बाहरी जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, और किसी भी एक नेशन को दूसरे नेशन के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो उसे शांतिमय ढंग से जो है वो निपटाना चाहिए। एग्रीमेंट टू नॉट यूज थ्रेट और फोर्स, इसमें किसी भी तरीके का जो है थ्रेट या फिर कोई भी तरीके की फोर्स जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमें खतरा हो। इफ़ेक्टिव कॉपरेशन, और कॉपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव हो, सभी उन्हें माने, और एक नेशन जो है उसमें डेवलपमेंट भी हो और आगे वो बढ़ पाए, किसी भी तरीके की जो है प्रॉब्लम ना हो, वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो ना बने। नेक्स्ट इज एशियन कम्युनिटी अ ग्रैंड आइडिया। ऑन द 30th एशियन एनिवर्सरी द लीडर्स ऑफ मेंबर्स स्टार्टेड अडॉप्टेड द एशियन विजन 2020 एंड एस्पायर टू एस्टैब्लिश एन एशियन कम्युनिटी। एशियन की जब 30th एनिवर्सरी थी तो उन्होंने एक एशियन विजन जो है अडॉप्ट किया है ताकि वो एशियन कम्युनिटी जो है वो बना सके। इन 2003 एट द 9th समिट एशियन लीडर्स reaffirmed to establish the Asian community. 2003 में जो है वो फिर उन्होंने जो establish करने की पहले 2003 में भी ये कोशिश की थी। कब की थी? 9th summit में। At the 12th summit in Jan 2007, the leaders signed the Sabo Declaration on the Acceleration of the Establishment of an Asian community by 2015. 12th summit जब हुई थी जनवरी 2007 में, तो उन्होंने सैबो डिक्लेरेशन जो है साइन की थी ताकि एशियन कम्युनिटी बन सके 2015 तक। नेक्स्ट इज द एशियन कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 pillars। अब जो एशियन कम्युनिटी है उसके 3 pillars हैं, वो कौन कौन से हैं? एशियन क्रिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। क्योंकि जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो किसके लिए काम करती हैं? कि राजनीतिक भी सिक्योरिटी बनी रहे, आर्थिक सिक्योरिटी जो है एक कम्युनिटी ऐसी बने जो सिक्योर रहे, और सोशियो कल्चर कम्युनिटी भी बनी रहे। सो एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2020 तक जो है एशियन कम्युनिटी बनाने का जो है निर्णय लिया था। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।